सवाल ये है, एक सवाल है, एक औरत है जो जिसका शौहर मुंबई में इंतकाल हो गया, और वो भी वहीं पे है, वहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपने घर पे आके इद्दत पूरी करनी चाहे तो क्या इद्दत पूरी कर सकती है, और इद्दत कितने दिन की होती है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर की वफ़ात पर बीवी को 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारनी वाजिब है। अगर वो हमल से है तो उसकी इद्दत वज़े हमल है, यानी बच्चे की पैदाइश है। बच्चे की विलादत हो गई, चाहे वो वफ़ात के 2रे रोज़ हो या 10वें रोज़ हो या 9 महीने के बाद हो, वज़े हमल तक वो इद्दत गुजारेगी। अगर वो हामिला नहीं है तो उसकी मुद्दत 4 महीना 10 दिन है। अब सवाल ये कि वो कहाँ इद्दत गुजारेगी, तो असल ये है कि वो अपने शौहर के मकान में इद्दत गुजारे जहाँ दोनों ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अगर रहने में और इद्दत गुजारने में तकलीफ़ हो और उसका कोई हल ना हो, मजबूरी हो, तो ऐसी सूरत में औरत इद्दत अपने मायके में भी गुजार सकती है। तो वो अपने आबाई घर आ जाएगी और अपने घर पर इद्दत गुजारेगी, अपने अब्बू के घर पर इद्दत गुजारेगी। इतनी रुख्सत शरीयत में मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और अमल सालेह की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिना मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।